ज्ञानवापी परिसर में होने वाले नवाहन पाठ्यतु समिति के किसी भी सदस्य का पास न बनने से गुस्साए सदस्यों ने घंटों हंगामा किया। ज्ञानवापी परिसर में हर वर्ष होने वाला नवाहन पाठ इस वर्ष भी करने के लिए पूजा समिति के सदस्यों ने भगवान की प्रतिमा व अन्य सामान लेकर विश्वनाथ धाम तक पहुंचे, लेकिन किसी सदस्य का अनुरोध के बाद भी पास न बनने के कारण पूजा समिति के सदस्यों ने मंदिर के गेट पर घंटों हंगामा किया। सदस्य पास बनवाने की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि किसी न किसी बहाने सदस्यों को प्रताड़ित किया जाता है, जबकि ये बहुत पुरानी परंपरा है। यही हाल रहा तो समिति पूजा का बहिष्कार कर देगी। सूचना पाकर मंदिर प्रशासन के लोग व पुलिस कर्मियों ने पहुंचकर सूझबूझ से काम लिया। समिति के सदस्यों से बातचीत कर मूर्ति सहित अन्य सामान व पदाधिकारियों को पूजा स्थल तक ले जाया गया। मंदिर के लोगों ने भी बताया कि मंदिर प्रशासन की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि पूजा में दखल दिया जाए। इनको 1 फरवरी को मैंने दरखास्त दिया था कि मेरा 22 पास बनना चाहिए, अभी तक इन्होंने मुझे पास बना के नहीं दिया। और ये कभी कहते हैं इधर कर लीजिए, कभी कहते हैं उधर रामायण कर लीजिए, एक जगह स्थिर ये नहीं किए हैं। और बराबर का हमेशा का इनका नियम है कि ये हम लोगों को रोकते हैं और मैं इनको रोक रहा हूँ, और इसलिए मैं अनशन पे बैठ गया हूँ। और जब तक ये मेरा 22 पास ला के नहीं मेरे हाथ में देंगे, तब तक मेरी मूर्ति और मेरा नवान पाठ, अभी मेरे आचार्य जी से बोले हैं कि आपकी रामायण 9 फरवरी को शुरू होने वाली है, ताकि उनके लिस्ट में उठा के देख लेवे कि मैं 5 फरवरी से 17 फरवरी तक मेरी रामायण चालू होने वाली है। अभी तक इन्होंने मुझे 22 पास नहीं दिया है। इतनी पुरानी परंपरा है, क्या है ये? ये 64 वर्ष पुरानी परंपरा है, आज से 64 वर्ष पुरानी, ताकि मेरा जन्म भी नहीं था उस समय से ये रामायण चली आ रही है। आज मैं 40 साल से ये रामायण में जुड़ा हुआ हूँ। किसकी लापरवाही मानते हैं? ये मुख्य कार्यपालक की लापरवाही है। तो आज क्या घटना घट रही है? आज घटना ये घट रही है कि जब तक ये मुझे पास 22 नहीं देंगे, तब तक मैं नहीं आऊँगा। और 4 नंबर गेट से आने का इन्होंने एंट्री दिया है, इन्होंने एंट्री दिया है, और ये बोले हैं कि 4 नंबर से, और मोबाइल पास अभी तक नहीं दिए, और कह रहे हैं जो भी गेट पे जा रहा है मोबाइल लेके, उनको पुलिस कर्मचारी लोग सारे रोक दे रहे हैं कि मोबाइल अंदर नहीं जाएगा। खाली उनका, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा 22 पास आवे और मुख्य कार्यपालक यहाँ आवे, और जब तक वो न कह दें कि नहीं ये स्थिर जमीन किया हूँ मैं, ये अस्थाई जमीन, 2 रामायण होती है, एक मुख्य कार्यपालक सुनील वर्मा। मांगे पूरी नहीं होगा तो क्या करेंगे जी? अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? मैं मूर्ति नहीं जाने जाएगी मेरी, यही अनशन करेंगे। हाँ, मैं यही अनशन करूंगा और मेरी पंडाल की व्यवस्था जैसी रहेगी वैसी रहेगी, लेकिन मैं यही अनशन करूंगा, यही बैठा रहूंगा। किस तरह की समस्या आज आप लोगों को आ रही है? समस्या विगत 64 वर्षों से रामायण होती आ रही, नवान पाठ 9 दिन चलता है अपना कार्यक्रम, और ये काशी की पूरी जनमानस इसमें लोग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, रामायण पाठ सुनते हैं, मगर पता नहीं मंदिर प्रशासन का ऐसा रवैया है, इनको मालूम रहता है महीनों पहले से कि आज कार्यक्रम होना है, मगर ये हमेशा अड़चन डालने का काम करते हैं। आज हमारे पदाधिकारियों का पास तक इन्होंने नहीं दिया, और मूर्ति और पूरे सामान हमारे रुके हुए हैं बाहर, आखिर कैसे जाएगा ये? हमेशा इनका काम, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो है हमेशा बदमाशी करते हैं, ये पता नहीं क्यों इनका क्या मंशा रहती है। तो आज क्या मांग है हमारी? मांग सिर्फ इतनी है कि हमें कोई यहाँ पे कब्जा नहीं करना, हम लोग यहाँ रामायण पाठ करने आते हैं, भगवान जो परंपरा चल रही आ रही है हम लोगों की, उसको पूरा पूर्ण अपना परंपरा निभानी है, तो हमारे पदाधिकारियों को जो पास है वो तुरंत दिया जाए और मूर्ति के साथ सम्मान अंदर जाया जाए, और जगह हमारी सब जो जगह हमारी है जो हमेशा होती है रामायण पाठ, वहाँ हमको जगह सुनिश्चित की जाए। हमारी सिर्फ इतनी